पूरा एकदम क्रीम लगा रहे हो, क्या बात है। कहाँ जाने के लिए इतना रेडी हो रहे हो? ऑफिस पार्टी है ना। हाँ जी, तो इनका ऑफिस पार्टी है, ये नहीं जा रहे थे गाइस, ये बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं इनको बोली कि नहीं जाओ जाओ एंजॉय करो, नहीं मुझे जाने का मन नहीं है। यू कांट कमेंट, मदर इज लाइक अ गॉड। सी हाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और आज होली का है नेक्स्ट डे, और आप सोच नहीं सकते मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब पूरा सर फट रहा है, बट अभी ऑफिस जाना भी जरूरी है। तो अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ, 4 बजे उठी थी, रेडी हो गई, और अभी 5 बज रहा है, 1 घंटा हो चुका है, और अभी तक कैब नहीं आया, शायद कैब लेट है, तो बस कैब का वेट कर रहा है, ऑन द वे ही है, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो चलो ऑफिस निकल रहे हैं, और आज तो हेडेक होने वाला ऑफिस में भी, तो चलो गाइस। और आज का पूरा दिन कैसा रहेगा वो तो आपको ब्लॉग में रहने की बात पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस और ये रहेंगे घर पर, तो शायद ये ब्लॉग करें, और बस चलो चलते हैं। चलो कैब नीचे आ गया, अब जाते हैं ऑफिस और देखते हैं आज का ऑफिस कैसा रहता है। वैसे तो बहुत सर दर्द हो रहा है, बट चलो चलते हैं इस ऑफिस से, अभी बस घर जा रहे हैं। और आज ऑफिस में कैब की वजह से, एक्चुअली हम लोगों का जो कैब था पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर वो कैंसिल हुआ, फिर से रीशेड्यूल हुआ, तो बहुत टाइम लग गया, लाइक हाफ एन आवर। तो उसमें चुकी हूँ घर, देखते ही क्या कर रहे हैं घर पे, क्योंकि आज ये ऑफिस गया नहीं है। एंड ही इज नॉट ओपनिंग द डोर। हाय बेबी, क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? लग तो नहीं रहा देख के कि ऑफिस कर भी रहे हो। मैं ऑफिस से घर आई हूँ और मुझे इतना भूख लग रहा है, ये कुछ बना के नहीं रखे हैं, पूरा खा लिया है, और खा के किचन पूरा क्लीन करके रखा है। कुछ तो रखना था, खुद ही कुछ नहीं बना, मैं खुद ही क्या कर रहे थे, नहीं क्या कर रहे थे बताना, गेम खेल रहे थे। हाँ गाइस, उनको घर पे भी कैमरा लगाना पड़ेगा इनको देखने के लिए कि 24 घंटा में मेरे नहीं रहने पे मेरे हस्बैंड करते क्या है। तो चलो गाइस अभी घर आ गए ऑफिस से और रेस्ट करते हैं, फिर आप लोग से शाम को मिलते हैं। ये माई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज का सुबह हो चुका है और हम लोग बस जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने, आज सैटरडे है तो आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, आज हम लोग पूरा घर क्लीन कर रहे थे, क्योंकि पूरा वीक मैं ऑफिस गई थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और एकदम आराम से आज सोए थे गाइज, क्योंकि एवरी डे 4 बजे उठना बहुत हेक्टिक हो जा रहा था। तो चलो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, और कुछ कुछ सामान भी, सब्जी वगैरह भी लेकर आएंगे, और बस आज का दिन कैसा रहता है आप देखना ब्लॉग में, और आज बस रिलैक्स डे रहने वाला। और ये पीछे हाय बोलो सबको। Hi everyone, welcome to our channel. तो चैनल मानसु ब्लॉग। आज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, क्या लगाइए? कुछ नहीं, लाल लाल सिंदूर गिर गया होगा। तो आज कुछ नहीं, बस अभी हम जाएंगे अपना बाइक दिखाने। एक्चुअली गाइस इनका बाइक हमेशा ही प्रॉब्लम करते रहता है, पता नहीं क्या दिखाना आपको बाइक में। पिछले बार जो प्रॉब्लम था वो बोल ही दे दिया उसके लिए। आप तो मुझे बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, यूं ही लीक हो रहा था। वो बोला तो हमको अभी भी लीक हो रहा है उसमें, तो कुछ गड़बड़ है। तो गाइस इनका मोबाइल लीक हो रहा है बाइक का, तो ये अभी दिखाएंगे इसको जाकर, और चलो चलते हैं देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट क्या करना, और बाहर काफ़ी धूप हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इतना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतना सारा यहाँ पे, जितना भी आपको कोकोनट ट्री दिख रहा है ना, ये सारा में कोकोनट है, और वेस्ट होता है, कोई इसको तोड़ता भी नहीं है, ये खुद ही होता है और खुद नीचे गिर जाता है, तो ये पूरा वेस्टेज ही है। आप वहाँ पर भी देख सकते हो इतना सारा कोकोनट है, रुको मैं दिखाती हूँ, देखो जूम करके, ये देखो इतना सारा कोकोनट, बट कोई ना ही तोड़ने वाला है ना इसको खाने वाला, ये बस वेस्ट हो रहा है। तो 2 आइस ट्रे ऑर्डर किए थे, ये तो ऑनलाइन ही ये मंगाए थे, तो इसमें देखो पूरा आइस डाल के रखे हुए हैं ये डब्बा, और इसमें ये देखो आइस ट्रे, ये खोल के दिखा रहे हैं, दिखाना नहीं तो यही जम गया पूरा, ऊपर भी थोड़ा पानी रह गया था तो इसलिए इतना डिफिकल्ट है इसको खोलना। बाप रे, अगर इतना डिफिकल्ट गाइस देख सकते हो आइस ट्रे का हालात, डिफिकल्टी के बाद जो मिलेगा वो भी तो अच्छा लगेगा, हालत क्या हो रखा है, ये दिखाना, नाइस फ्रेंड्स।
ये हो गई आइस ट्रे से, कितना मस्त लग रहा है ना, ये आइस निकल चुका। अब क्या करोगे इसका? दैट इज कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो वैसे भी हम बता रहे हैं। तो गाइस थैंक यू जो ऑलरेडी जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा, और इसी तरह प्यार देते रहिए। और हमारा इतना सब्सक्रिप्शन जो बढ़ चुका है, और बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब पता नहीं ये गाड़ी कैसे निकालेंगे, क्योंकि देख सकते हो पूरा पीछे गाड़ी मेरे में, हम नहीं हटा सकते भाई। बाहर निकल के धूप इतना अच्छा लग रहा है, नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हर घर के सामने गाइस बहुत सारा ये लोग प्लांट्स लगा के रखते हैं। और यही हम लोग का बिल्डिंग है जिसपे हम लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर। और यहाँ पे सारा इंडिविजुअल हाउस है, आप देख सकते हो सारे फैमिलीज रहते हैं। बस यही एक बिल्डिंग है जिसमें हम लोग बैचलर रहते हैं, नहीं तो बाकी सारा में यहाँ पे फैमिलीज रहते हैं ज़्यादा ज़्यादा। और एक दो बिल्डिंग है जहाँ पे रेंटर है, रेंट पे रहते हैं लोग, बट ऑलमोस्ट सारे का यहाँ पे अपना ही हाउस है। तो बस चलो ये आते हैं फिर चलते हैं। बट इस सोसाइटी का बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हो, और यहाँ पे ज़्यादा रस नहीं रहता, तो ये अच्छा है। हम लोगों को लकली ये मिल गया था ये घर, जस्ट गूगल पे सर्च किए थे। तो ये है हम लोगों का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोगों की बिल्डिंग। और ये इधर से आते हुए हमेशा यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चलते ही रहता है, मतलब पूरा ये लोग ट्राई करते हैं नीट एंड क्लीन रखने का। और ओ माय गॉड, देखो बच्चे लोगों का होली, आज होली खेल रहे हैं लोग। प्लीज श्री मत्था सागर, हम लोग हमेशा यहाँ पे ही आते हैं खाने के लिए, इसका टेस्ट अच्छा लगता है हम लोग को इसलिए। पर गाइस बैंगलोर में आपको इस तरह का ही प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप इस तरह से खड़ा होके सेल्फ सर्विस होता है, कटाओ और खाओ खाना। फर्स्ट ये मेरा और ये इनका, ये बंस ये हैं जो कि पुआ की तरह ही होता है और इनको बहुत अच्छा लगता है। चलो खाते हैं। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और पीछे लड़ाई हो गया है खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है ना, एक्चुअली आज सैटरडे है तो लोग मतलब बहुत देर से लाइन पे लगे हुए हैं, उसके लिए भी लड़ाई हो गया है। इसको पहले क्यों दिया, इसको पहले, हमको पहले क्यों नहीं दिया, ऐसा कैसा लगा स्टॉक में? एक्चुअली मुझे अपने वॉच का बैटरी चेंज करवाना था इसका, इसलिए बैटरी चेंज हो चुका है। ओके वाटर के लिए, डाफ पानी के लिए, तो आप देख सकते हो अंकल पूरा फुल भर के रखे हैं। ये 20 रुपीस का ही देता है, बस हम ले रहे हैं अपना डाफ पानी और अभी बस निकल रहे हैं। अभी आ गए हैं घर, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। पता नहीं मुझे ना आज बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा मन से ऐसा लग रहा है बस बेड पे लेटे रहे, और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रहा है। तो अभी मैं पालक साग लाई हूँ, पोई साग तो मिला नहीं, एक जगह मिल रहा था बट अच्छा नहीं था, पूरा सूखा हुआ था, तो वो मैं नहीं ली। तो अभी बनाएंगे दलिया ही बनाएंगे, मिक्स दलिया, पूरा वेज डालकर सब्जी जितना है सारा मिक्स करके। तो बस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और डाक पानी लाएँ तो उसको भी थोड़ी देर में पियेंगे। तो चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे तो आप लोग से मिलेंगे। अभी बस आज का दिन गाइस लेजी ही होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट फिर भी जो भी होगा हम लोग आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि गाइस ये डेली ब्लॉग है, डेली लाइफ का हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखाएंगे। लाइक हर टाइम घूमना फिरना तो नहीं होता ना, समटाइम रिलैक्स भी करना है। तो चलो और आगे का क्या प्लान है हम लोगों का लाइफ का, वो तो आपको हमारे साथ रहना होगा। हिलचाल हिमांशु ब्लॉग को हमेशा आप देखोगे तभी पता चलेगा कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए गाइस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना होगा। तो प्लीज़ गाइस काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी बस चलो ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो ये गाइस अभी मैं उठ गई हूँ और मुझे अभी फीवर हो गया, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, इसलिए मैं ब्लैंकेट ली हुई हूँ और सोफा पे ही कंफर्टेबल था इसलिए मैं यहीं पे बैठी। तो पता नहीं सडन क्या हुआ, फीवर हो गया और अभी ये वेजिटेबल पूरा सब्जी जो भी मैं मिक्स बनाऊंगी उसको काट रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा दलिया चढ़ा देती हूँ फिर बैठती हूँ। और यहाँ पे देखो एरिक को, एरिक आ चुका है अपने कैट के साथ, है ना एरिक? यू लाइक योर कैट अलॉट? सो मेनी कोकोनट्स, नोबडी इज ईटिंग, इट्स वेस्टिंग, यू नो। See? Yeah, there will somebody come and you will cut an iron. Who will cut? Yeah, somebody will cut. I never see anybody. Have you seen? Are you? Yeah, somebody will cut and cut this jungle. Huh. Cut this full. Huh. Then you will be tired. Eh? Then we will go in a tree up and take one and then come down. When? I don't know. You are just saying. You yeah, don't know. Saying. Making rocket for me. Look which like you will make. Don't change the camera. Just keep that.
How it was? I forgot, I think. A lot like that, yeah, Anna. Nancy, I came in school today and I said... You went to school today? Yeah. Today is your school, but he said on Saturday we have a leave. Yeah, yeah. Today one day for to be school. Why means half day? Yeah. Why means tomorrow is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Leave. Thursday is my annual exam. Annual exam. Oh, so you prepared everything? Yeah. And what he didn't prepare anything, you know, he don't even know that which subject. Oh, now Monday his exam, you know, but he don't know next which Monday. Okay, tell me. Don't ask question. why will then not ask question? English language, computer. Then murder. I'll throw you up on the murder local. I'll beat you. I'll kick you. Then I'll punch you. Call guys, Dalia. You want Dalia? No. Dalia ban chuka. It's like a Dalia soup. He sent me in my phone. Look, a girl puppy show. Girl. You tell me na. Then I said you. Then what? Akka. Whenever I will come, he will go to road. Then the car will park. No, there he will open his pants and he will turn and he will come. Are you? Yeah. He first is doing like that only. I tell this man. Then it's okay. This boy he will come good boy. Till he is not good boy. So what he was doing in car? No. Yes, car. Car will cover us now. With people. And he will open and he will do like this and he will come. Don't disturb Ari. Don't disturb Ari. Chirayu. How is your brother Chirayu? He's good. Super. You have a sister. Hmm. Yeah, cat. Okay. Adik, don't do. What you doing? Chirayu! Beat him, Chirayu, beat him. You are very naughty, you know. Keep the ladu. No, Chirayu, keep. Bad, now you are a good boy, right? You can't do these kind of things. No, he's good. Keep jhadu inside, not there. Keep inside. Appu, your mother is in your head only inside a grinder. Appu will come and beat you. The line video will be cry like this. Show me how he is crying. Do. He will cry like this. Anna. Haan pe, Chirayu show. Kite ban chuka hai Chirayu ka. So Chirayu? Yeah. How is the kite? Nice. Nice, huh? You want to say something to Anna? Yeah. What? Thanks, Anna, to make kite. See how good he is. What about you? Guys, he is feeling bad because iske liye bana rahi hai iska. Guys, Ari ka mood, Ari ka face dekho kaisa bana. Chirayu is happy, Ari is sad because thank you for this. You eat, no? Thank you. Okay, job isko fly to karo. Dekhungi main. Jao. I also try one time, okay? Yeah, inside. Don't do. Go down and do. Not here. I'll see from here. Okay, go fast. ये हो रहा है रेडी. आज है इनके ऑफिस में ऑफिस पार्टी है. तो आर यू एनुअल पार्टी. तो एक्साइटेड हो? अभी हो चुका है शाम और शाम में आप देख सकते हो ये पूरा ब्लेजर वगैरह पहन के रेडी है जाने के लिए ऑफिस पार्टी में. एक्चुअली इनका ऑफिस पार्टी है आज. ओई तो एक्साइटेड? तो ऑफिस पार्टी में जा रहे हैं.
ओह सच अ केयरिंग हस्बैंड यू आर। फिर मन भी नहीं है लेकिन दोस्त लोग बुला रहा। हाँ तो जाओ जाके एंजॉय करो, घर पे बोर होने से तो अच्छा है ना कि आप एंजॉय करो। तो गाइस ये रेडी होते हैं। क्यों याद होगा, ऑफिस पार्टी में जा रहे हो तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है ऐसे ही तो पार्टी में जाते हैं। तो फिर खोल देना फोटो वगैरह शूट करा के, गाइस देख सकते हो इनको। रेडी हो गए फाइनली। क्या कोई कुछ बना रहा होगा? और गाइस यहाँ पे ये फिर से रिटर्न आए थे। एक्चुअली इन ये आई कार्ड छोड़ दिए थे विदाउट आई कार्ड, ऑफिस का जो आई कार्ड है उसके बिना एंट्री नहीं होता वहाँ पार्टी में। तो ये आए थे आईडी कार्ड लेने के लिए, तो मैं जस्ट ऊपर से ही, जैसे कि आपको पता है ये तो चले गए अपने ऑफिस पार्टी में। और मैं इधर बना रही हूँ साग, पालक की साग पूरा मिक्स करके, और देख सकते हो क्या हालात हुआ है। क्योंकि साग गाइस बनने में तो खाने में टेस्टी लगता है, बट उसका जो प्रोसेस होता है ना उसको पूरा काटना तो बहुत ज़्यादा मीन्स गंदा हो जाता है। तो चलो अभी तो मैं साग बना रही हूँ, साग और रोटी बना रही हूँ। तो बस यही है आज का ब्लॉग, यही रहा हम लोग जो भी किया। और ये अभी आएंगे तो इनसे ही पूछेंगे कि कैसा रहा इनका पार्टी, तो आपको बताएंगे, उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करेंगे। तो चलो ये आते हैं फिर मिलते हैं। और मैं यही खाना बना रही हूँ, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, मैं दवा ली थी तो उससे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो आज ऐसा था हम लोग का पूरा दिन, ये आते हैं मिलाते हैं फिर आप लोग से, और उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करेंगे। तो चलो गाइस अभी मैं बना रही हूँ डिनर और मिलते हैं थोड़े। बहुत जल्दी आ गए हो पार्टी से, कैसा था? खास नहीं था, एंजॉय नहीं किए? सारे को आए थे ऑफिस से? कोई नहीं, आ चुके अपने पार्टी से। और बताओ? ठीक था, उससे कुछ खास नहीं था। क्यों, क्या क्या किया पार्टी में? खाए हाँ, और बियर था और वाइन था, अच्छा। दोनों ही नहीं पीते तो बस गुलाब जामुन अच्छा था और कुछ खाना? कुछ नहीं, खाना भी ठीक ठाक एवरेज टाइप था। नॉनवेज था? हाँ नॉनवेज भी था, वेज भी था, दोनों ही एवरेज था। बस उसमें से कुछ कुछ चिकन वाला आइटम्स सुप्रीत बोला अच्छा था, ऑफिशियल आइटम फिश वाला अच्छा था, अच्छा बाकी सब एवरेज। तो डांस क्यों नहीं किया? मैं फोन डांस में डीजे भी बहुत घटिया डीजे एकदम एवरेज से भी। एक तो हम लोग जहाँ गए थे दो डीजे था, एक तो ओपन एरिया में एक लगा हुआ था और एक अंदर में, तो हम लोग सोचे कोई उधर जा ही नहीं रहा था, हम लोग फिर गए वो भी सोफा पर तो ऑयल लगेगा। अब तुम लगाए तो आगे हो जाओ ना, वो ये बैंड भी पहने थे क्या? ना बैंड था और एक और बैंड देख सकते हो, दिखाओ तो कैमरा में ये बैंड कौन सा? ओटेरा का, ओटेरा 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 होटल है, हम लोग ऑफिस के बगल में ही है, वहीं पर किया था कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। डीजे एकदम घटिया था, डांस करने लायक कोई म्यूजिक बजा नहीं रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे ही था। और क्या बोलते हैं कि और क्या है, और एक तो अंदर होटल के अंदर भी था डीजे, होटल के अंदर जो वो होता है ना बैंकवेट हॉल वहाँ पर भी था, और एक बाहर तो में भी पूरा, था, पूरा बुक था। तो जो बाहर में डीजे था ना वो लेडी एक तो बजा रही थी लड़की, अच्छा। वही अच्छा गाना बजा रही थी, अंदर में था एक तो पिंटू डीजे तो एकदम नाम के जैसा ही था एकदम एकदम पिंटू जैसा गाना बजा रहा था, एकदम पिंटू जैसा, और एकदम मिक्सिंग भी ठीक से नहीं कर रहा था। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे थे? सॉन्ग भी सही वाला नहीं बजा रहा था डीजे, सॉन्ग बजाने को कोई भी, सब बोल के फायदा नहीं, एकदम बेकार बेकार गाना बजा रहा था, सबका मूड खराब हो गया। लेकिन विवेक पागल टाइप का डांस किया जा रहा था, विवेक हम और ये था कौन कौन, गर्ल्स नहीं आई थी? गर्ल्स में कोई नहीं, सब एकदम क्या बोले ठंडा टीम थे एकदम, इसीलिए और मुझे नहीं आया। ओ मतलब आप रो क्यों रही हो? मेरे सर पे बहुत ज्यादा दर्द है, मैं अभी ऑयलिंग की हूँ हेयर में और बहुत ज्यादा फीवर हो गया। फिर भी हंस रही हो अभी आपके लिए? ब्लॉग के लिए बोलो बेबी, डोंट से इट बेबी, आई एम हैप्पी फॉर यू दैट एट लीस्ट यू वेंट आउटसाइड। तो दवा खाई ना? नहीं खाया। कौन खाएगा? तो खाएंगे अभी, अभी खा जाओ। कितना मुश्किल से मैं खाना बनाई, अभी खाओ आपकी बर्तन धोए, तुम ऑर्डर कर लेती ना। मुझे बाहर का ना एकदम खाने से अभी नफरत हो रहा है, बाहर का कुछ तेल मसाला मुझे एकदम मन नहीं खाने का। तो कुछ अच्छा ही मंगा लेती सिंपल सा, क्या मिलता है बैंगलोर में अच्छा? तो दूध मंगा लेती, वो खा लेती जो मोस्टली है। दूध मंगाने के लिए कैसे मंगाते, हर तरह का जिप्टो है, ब्लिंकिट है, तुमको मंगाना चाहिए था ना। और क्या बोल रहे थे? नहीं तो हमको बोलती, हम आ जाते जल्दी, वैसे भी वहाँ कुछ कर नहीं रहता, हम बोलते मेरी वाइफ का तबियत, हम भाग जाते तबियत खराब बोल के। वेस्ट था एकदम पार्टी, एकदम वेस्ट। आज इनका गाइस पार्टी हो चुका है और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलो एंड करो, तब तक के लिए बने रहिए रिचा और हिमांशु ब्लॉग, और सब्सक्राइब करिए, नहीं इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में भी देखते रहिए हमारा वीडियो, हर दिन इसी तरह आते रहेगा, इस तरह आपका प्यार आते रहेगा तो हमारा वीडियो इसी तरह आते रहेगा। और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आपको किसी तरह का स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और कुछ अच्छा लगता है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। कुछ अच्छा करते हो? कुछ अच्छा, कुछ भी जो रिचा जो करती है बहुत अच्छा करती है ना, इसलिए रिचा के बारे में कुछ बोलिए है ना, कुछ बुरा हो, कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट, कुछ भी, और शेयर कीजिए अपने फैमिलीज के साथ। और हमारे लाइफ देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।
और गाइस अब हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए बने रहिए गुड बाय गाइस गुड बाय गुड बाय गुड नाइट बाय